हेलो भाई, सुशांत सिंह राजपूत के क्लोज फ्रेंड संदीप नाहर को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा गाइस आप सबको पता है कि संदीप नाहर की जो है अभी डेथ हो चुकी है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये जो चीजें है, सुसाइड नोट भी मिला था और उनका एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें उन्होंने बोला था कि वो जो है सुसाइड करने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ उनकी वाइफ और उनकी वाइफ की मदर की वजह से। लेकिन मेन रीजन, अभी एक बड़ा रीजन जो है सामने आ रहा है और वो रीजन इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का डेथ और संदीप नाहर की डेथ का कनेक्शन एक दूसरे के साथ में कनेक्शन उनका सामने आ रहा है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि MS धोनी जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी, ब्लॉकबस्टर मूवी थी, उसमें जो है संदीप नाहर जो है एज ए सरदार के रोल प्ले किया था और काफी अच्छी एक्टिंग किया था जिसके लिए उनका काफी नाम हुआ। उसके बाद उनको बहुत जगहों पे उनको जो है काम भी मिलने लगे। लेकिन अभी जो एक बड़ा एविडेंस सामने आया वो पूरी तरह से शॉक कर देने वाला है क्योंकि संदीप नाहर को कुछ ऐसी बातें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पता चल गई थी जिसकी वजह से संदीप नाहर की डेथ हुई पब्लिक की तरफ से। अब ये चीज जो है सवाल उठना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि संदीप नाहर का कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के साथ भी बहुत अच्छा था और रिया चक्रवर्ती को भी संदीप नाहर बहुत अच्छे से जानते। लेकिन अभी जो एक पोस्ट जो है सबसे ज्यादा पब्लिक के सामने वायरल हो रहा है वो है संदीप नाहर का इंस्टाग्राम पोस्ट। गाइस, संदीप नाहर ने एक सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक जो है वीडियो भी रिलीज किया था, मैं उसको भी दिखा दूंगा। लेकिन वो वीडियो आप चाहे तो सोशल मीडिया पे सर्च करके देख लेंगे, नहीं तो मैं अपना जो है ट्विटर अकाउंट पे शाम को 6 बजे उसको भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। गाइस, संदीप नाहर का एक पोस्ट जो सामने आ रहा है इंस्टाग्राम पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे संदीप नाहर ने एक पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे, वो भी 15 जून को, यानी 14 जून, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, और 15 जून यानी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के एक दिन बाद जो है एक पोस्ट किया गया था संदीप नाहर के द्वारा। और इस पोस्ट में सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने रिप बोला और साथ में ही उन्होंने बहुत दुख जताया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में ऐसा कुछ हो गया है। उस टाइम किसी को भी नहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, मतलब उस टाइम सबको यही पता था कि उन्होंने सुसाइड किया था। पूरा देश ही नहीं, सब कुछ, हर एक पब्लिक यही जानता था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। लेकिन गाइस, इनके आप पोस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये देख सकते हैं कि यहाँ 15 जून के इनके पोस्ट में ये लिखा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने जो रिप बोला उसको तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो नीचे इन्होंने टैग किया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने टैग करके सीधे सीधे लिखा है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। और सारे के जितने भी टैग आप देखेंगे उसमें सीधे सीधे लिखा गया है सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगा गया है। मतलब कि संदीप नाहर को उसी टाइम पता चल गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। क्योंकि अगर संदीप नाहर को ये बात पता नहीं होती तो वो ये चीजें, ये इस तरह के हैशटैग क्यों यूज करते कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जिस टाइम किसी को भी शक भी नहीं था क्योंकि 15 से 20 जून तक किसी ने भी बोला तक नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो सुसाइड नहीं है, मर्डर है। बाद में काफी लोग सामने आए 20 जून के बाद, लेकिन 15 तारीख को किसी को भी नहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो सुसाइड नहीं मर्डर है। तो इनको जो है संदीप नाहर को कैसे पता चल गया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो मर्डर है? आखिरकार उन्होंने क्यों जो है जस्टिस के लिए आवाज उठाई? उन्होंने हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत क्यों यूज किया? इसका साफ से मतलब है कि इनको काफी कुछ उसी टाइम पता चल गया था और अब जो है उनको काफी ऐसे एविडेंस उनके पास आ गए थे जिसकी वजह से, जो एक मेन वजह हो सकती है इनकी डेथ में, क्योंकि इनके सीधा सीधा जो आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह से इनकी वाइफ के और वाइफ के मदर के ऊपर लगाया गया है। लेकिन बॉलीवुड को लेकर भी उन्होंने काफी बड़े बड़े इल्जाम लगाए, लेकिन इन पर जो है सबसे बड़ी बात जो इन पर आती है कि इनको क्या सच में कुछ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ऐसा कुछ पता चल गया था जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई, और क्या वही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गाइज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।